What's up guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. And ladies and gents, how is your day going? I hope it's going good. आगे भी बढ़िया ही जाए. This is always our aim कि हमारे वीडियो थ्रू आपके चेहरे पे कुछ स्माइल आए. बीबी के वीडियो पे से obviously आती है बट हमारे पे से और थोड़ी आ जाए. That is the aim of the video. Okay? So ladies and gents, आज हम लोग करने वाले part 3 of The Culprit. The Culprit is the part 3 of the series. Yeah. Yeah. So Culprit आज करने वाले हैं. Do you know who the culprit is? No. We'll have to find out. We did. कभी भी हम लोग कोई भी मूवी वूवी ऐसा दिख रहा था ना अक्षय को फर्स्ट पार्ट का कभी भी कुछ याद नहीं रहता है और आई थिंक यहाँ पे भी वही हो रहा है. It was Hola. Yeah, I remember now. Last time जो वीडियो डाला था ना उसके बाद में अक्षता ने होला की लाइन बोली थी वो वीडियो में और इतने लोग कमेंट करने लग गए. So you want to say that line once for your fans? नमस्ते बेटा नमस्ते. क्यूटेस्ट पिक्चर होला ऐसा नमस्ते वगैरह कर रहे. Okay, चलो. Alright, ladies and gents, part 3 हम लोग करने वाले the culprit. But अगर आपने ये अभी तक वीडियो देखा नहीं है द ओरिजिनल वीडियो यू हैव टू गो एंड वॉच इट ऑन भुवन्स चैनल जिसकी लिंक है डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. सो जल्दी जाइए फटाफट सटासट और वहां पे जाके क्लिक कीजिए और बाद में आके रिएक्शन देखिए. राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कल्प्रिट पार्ट 3. लेट्स स्टार्ट. चलो रेडी. यार पता नहीं कल रात से मेरी ना लेफ्ट आंख फड़क रही है. क्या मतलब होता है इसका? फ्लू है फ्लू. शुभ होता है या अशुभ होता है? इसमें शुभ अशुभ क्या है? घर वाले कहते हैं कि लेफ्ट आंख फड़कना मतलब कुछ बुरा होने वाला है. अबे क्या अंधविश्वास यार. मेरे आंख ना बहुत सेंसिटिव है यार. अभी वो ऐसा आंख ना कर रहा मेरे आंख में से पानी आ गया यार. यू नो दिस राइट? कभी आंख के बारे में कुछ भी अगर मैं खाली बात भी करता रहूंगा ना आई हैव सेंसिटिव आईज तो मेरे आंख में से पानी आने चालू होते हैं और अभी भी. 84 लोग हैं देश में बहन तो खाली कैची मत चलाओ घर में लड़ाई होगी. इसका मतलब जो सलून में काम करते हैं उनके घर में क्लेश ही होते रहते हैं. लेकिन इसका करें क्या? शुभ है कि अशुभ है? नस्ते बड़ा नस्ते. वो मेरी टिकट कहाँ है? इलेक्शन में खड़ा होगा क्या? कौन सी टिकट? थाईलैंड जा रहा हूँ ना मैं तो मुझे बताया कि मेरी टिकट यहाँ है. किसने बताया? मुझे फोन आया कि मेरी टिकट तुम्हारे पास है. पर हमें कोई फोन नहीं आया कि आपकी टिकट हमारे पास है. तो मेरी टिकट है कहाँ? तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये तुझे लाया गया है. ओह माय गॉड, दिस इज लाइक द एकता कपूर शॉट्स पूरा ढान ढान ढान. बट ही डिडंट डू इट इनफ नंबर ऑफ टाइम्स. एकता कपूर आई थिंक इट्स लाइक एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑफ शॉट. अरे क्या लौड़ा फंस गया मुंह में? टीटू भाई आप यहाँ? तो कहाँ टीटू भाई? ओह नो. उससे क्या कंफर्म कर रहा? थर्ड एम्पायर है वो. मैंने फोन करके बुलाया तुझे यहाँ पे. बहुत घुमाया तूने. आज मैं तेरी रिपोर्ट लेता हूँ. मेरे पैसे कहाँ है? घूर क्या रहा है चमकादड़? ये अपनी बीवी को भी ऐसे ही देखता है. तभी तो आज तक हनीमून पे नहीं गए दोनों. तेरे को बता के जाऊंगा. टेक्निकली बाप को तो बताना है ये. क्रूज बुक करा दिए मेरे पैसों से. तेरे जैसे बहुत है. तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा. मुझे तूफानों से खेलने की आदत है. तूने अपने नुन्नू का नाम तूफान रखा है? अबे घाट कोपर के मैन इन ब्लैक. घाट कोपर के मैन इन ब्लैक. जिंदगी कैसे बर्बाद करी हुई है. मैं तो इसके बाप के सामने इनके कारनामों का चिट्टा किट्टा खोलना चाहता हूँ. क्योंकि बच्चा पॉर्न देखते हैं. अरे क्या गुनाह है पॉर्न देखना? बचपन में पैदा होते ही करियर का बोझ उनके सर पे डाल देते हैं.
पढ़ाई नहीं होती, रेस होती रेस, डेप्रिसिएशन पढ़ते पढ़ते इसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है। इसको देख, प्रैक्टिकल्स की डेडलाइन इसकी जॉलाइन जितनी शार्प है, कुछ नहीं आता इसको, अपनी एक्स को भूल नहीं पा रहा, तो एल्जेब्रा वाली एक्स का अचार डालेगा। सुबह सुबह पैसे के निकलते हैं तो ऐसा लगता है पत्थर तोड़ने जा रहे हैं। क्लास वर्क और होमवर्क की किताबें अलग आवे, कल से कुंजी लेके जाइए, सारे सवाल उसी में से आते हैं। हर बार पीटी पीरियड में कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाता है, इनका एक्साइटमेंट मातम में बदल जाता है। साला कभी कभी पढ़ाने का मन नहीं हुआ तो वो पूरा चैप्टर बच्चों को होमवर्क दे देते। अरे अपनी जिम्मेदारी बच्चों पे क्यों डाल रहे हो, चादर है वो, घर आके भी चैन का है। वो जो स्कूल की रेस है वो असल में रिले रेस है, स्कूल वाले अपना बेटा है, ट्यूशन वाले। बस आई थिंक टीटू मामा यहाँ पे ना हर एक स्कूल जाने वाले बच्चे की बात बोल रहे हैं। लाइक दिस इज ऑन एवरी, लाइक आई एम 100% श्योर कि वी एंड आल्सो यू हैव गॉन थ्रू दिस शिट व्हाट ही इज टॉकिंग राइट नाउ। इनफैक्ट आई फील इट्स मोर प्रेशर राइट नाउ, यू नो। आई थिंक नाउ इट इज मच इजियर। नो बट लाइक एक्चुअली डिपेंड्स, क्योंकि अभी उन लोग के एग्जाम्स आर लाइक एवरी 2-3 months आई थिंक। द गुड थिंग इज दैट नाउ देयर आर मोर लाइक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। व्हेन वी वर इन स्कूल इट वाज मोर लाइक जस्ट यू नो रट्टा मारने का। Yeah, so like kids nowadays have to do both, I feel. हाथ में दे देते हैं और वहाँ तो टीचर स्कूल से 3-4 chapters आगे चल रहा है। अरे बच्चे पहले स्कूल में पढ़े फिर तेरे साथ कोप अप करे, क्या चल रहा है ये? और ये कभी कभी का नहीं है, रोज का है। ऐसे में अगर 15 minutes दिन का सुख मिल जाता है तो तेरी क्यों जलती है बे? खुद की जिंदगी में फूका पड़ा और हमारी में उंगली करता रहता है। अरे बच्चा बेचारा पंछी है, उड़ना चाहते हैं उड़ने दे, शांति से पेड़ पे बैठना चाहते हैं बैठना दे, सारे पेड़ काट दूंगा, घोंसला तेरी गांड में बनाऊंगा फिर। दिन हो गए कुछ खुल के नहीं बोला, आप सामने होते हो तो थोड़ा रिजर्व रहता है। एजुकेशन सिस्टम थोड़ी ना है तो रिजर्व रहेगा तू। आपको शर्म नहीं आती बहन चूत के भले आदमी के साथ धोखा करते हुए? माना कि एक नंबर के लुच्चे लफंगे पड़ोसी छीनने वाले लगते हैं, पता कितने कंस्पायरिंग आदमी है। कंस्पायरिंग तुम लोग चालाकी से मुझे यहाँ लेके आए, फंसाना चाह रहे हो? अगर तू मेरा पैसा बिना किसी गड़बड़ के दे देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। मामा तेरे जैसे बहुत आए और चले गए, तो तू अपनी टांगे खोल के क्यों रखता है? अबे सस्ते शार्प शूटर, तू मुझे बाहर दे। क्यों, खुले में देगा? चार लोग एक पे चढ़ रहे हो, वाह, यही तो तेरी फैंटेसी थी। मैं तू सबका वजूद मिटा दूंगा, काम धंधा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अबे अपनी जिंदगी शांति से जीना क्यों उंगली करता है? सही जगह उंगली करी होती तो होला का फपोला आ जाता अभी तक। मेरा पैसा क्यों लिया? मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? नहीं बता सकता। मेरा घपला करके मुझे नहीं बताएगा? इस जरा साठ ढल रहा है, 2 बज रहे हैं, फूल मुरझा रहे हैं। कल ही तो पानी डाला था। खड़ी चट्टाने ढह गई, इफ़का पंकज उदास हो गया, गुमराह गुमराह हो गया, स्कॉडा लॉरा स्कॉडा लल्ली हो गई। भाई साहब पैसों का इंतजाम करना था और तूने मुझसे घपलेबाजी की। मुंह तो ऐसे लटकाया हुआ है जैसे किसी बुढ़े के टट्टे। ला दे मेरा पैसा, जो करना है कर ले। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, पर मैंने बहुतों का उखाड़ा है। हाथ पकड़ो बे, औजार काट पाले का। ना देखना पड़ता तुझे ये दिन, ना खेला होता वो घिनौना खेल, अब जिंदगी भर यही पोखता रही हो, मेल टॉयलेट या फीमेल? क्या पकड़। Oh my god. Holy shit, that was like that a was... dark ending. Paisa. Oh my god. Ha, yaar ye kya? That was so funny. That was oh my so god. Funny. Paisa maza aa gaya yaar, ye dard dene chalu ho gaya, which is very normal in Bhuvan Mums video, yeah. But yeah, ho raha hai. Okay, so what did you think of, like, what was your favorite part from the video? I think the argument that they were having when Titu Mama was like, you know, blasting on him. I think mera favorite part was jab he like Sameer Fuddi went into savage mode and bhai saab kya ek reply de raha tha. This is like the OG Bhuvan Bam ka like pinnacle.
Pinnacle OG Bhuvan Bam. Yeah. The ends are always like, you know, so ending at like such a suspense. Of course, mode. That is the hype. Yeah. It's not vibe, it's hype. यार वो बनाना पड़ता है obviously. Yeah. और उसी के वजह से I think audience is also much more awaited for जैसे 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 right. See, last one we saw घफलेबाज को पकड़ो. Yeah. Okay. पूरा वीडियो देखा वेरी फनी okay, हम लोग हंस रहे थे लेकिन लास्ट में जब ये नमस्ते बेटा देन अरे यार अभी नेक्स्ट इसमें क्या होगा अभी yeah. क्या होगा एक्साइटमेंट है एंड दैट इज व्हाट बिल्ड्स अप दैट इज द परफेक्ट स्टोरी टेलिंग दैट इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड इट वॉज डन वेरी नाइसली ऑलराइट लेडीज एंड जेंट्स Thank you very much for making us a part of your day. I hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like. And we will see you guys in the next one.